हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नेहा सिंह, मेरे चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये क्लास 7 की बुक रिव्यू है, साइंस सक्सेस। इसका बुक रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हिंदी में बुक है, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ऑल का बटन ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये बुक है जिसका ये एक्सटर्नल पार्ट यानी कि बाह्य स्थिति हम इसमें देखेंगे, जिसमें कि लिखा है बुक का नाम। बुक का नाम है सक्सेस, साइंस सक्सेस फॉर क्लास 7। और इस बुक के ऑथर जो हैं वो SN झा हैं। दो राइटर्स के नाम हैं इसमें, तीन हैं, SN झा, गीता नेगी एंड नीलम जैन। और पब्लिशर का नाम है गोयल ब्रदर्स प्रकाशन। और इसके पब्लिकेशन की ईयर जो है वो हम देख लेते हैं, ये जनवरी 2018 में पब्लिश की हुई ये किताब है। अभी आगे इसमें देख लेते हैं कि ये तो इसका बाहरी आवरण हो गया, बाह्य आवरण एक्सटर्नल रिव्यू है ये बुक का, जिसमें पेज नंबर 2 पर है टाइप ऑफ बुक, पुस्तक का प्रकार। यह क्लास 7 की साइंस सक्सेस की बुक है। और इसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है कि पुस्तक की भौतिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। साइज़ ऑफ बुक, पुस्तक का आकार क्या है, यह पुस्तक मीडियम साइज़ की है। फिर प्रिंटिंग एंड फॉन्ट साइज़, इस पुस्तक की प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है, सभी चित्र अत्यंत कलरफुल हैं, यानी कि बहुत ही रंगीन चित्र हैं। पाठ्य सामग्री को अत्यंत ही कलरफुल ढंग से एवं अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। अक्षरों का आकार ठीक है, जिसे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ये बुक का बाहरी पार्ट है। पुस्तक की बाइंडिंग की अगर बात करते हैं तो इस पुस्तक की बाइंडिंग काफ़ी अच्छी है। समस्त पृष्ठ एक दूसरे से अच्छी तरह से बंधे हुए हैं और पन्ने कहीं से भी नहीं हिल रहे हैं, यानी कि इस बुक की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी है। आगे चलते हैं पेज नंबर 3 पर। तो पेज नंबर 3 पर हमें जो लिखना है वो है क्वालिटी ऑफ द पेज, पेज की क्वालिटी कैसी है। तो पुस्तक में प्रयोग किए गए पेपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पेपर बहुत ही चिकना और चमकदार है, जिससे अक्षरों को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं टाइटल पेज, यानी कि जो उसका मुख्य पृष्ठ है उसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है, कि इस बुक का मुख्य पृष्ठ अत्यंत ही आकर्षक और अच्छा है, समस्त जानकारी मुख्य पृष्ठ से प्राप्त हो जाती है, जैसे कि लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम आदि। ये इतनी चीज़ हमें पेज नंबर 3 पर मिल जाएगी, इतनी चीज़ें लिखने के लिए। आगे चलते हैं तो पेज नंबर 4 पर क्या है हमारे पास, ये इसका बाह्य पृष्ठ हो गया, बाहरी आवरण हो गया। अब हम चलेंगे पेज नंबर 4 पर, तो वहाँ पर हमें मिलेगा आंतरिक आवरण, यानी कि अंदर का रिव्यू, बुक के अंदर क्या चीज़ है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा इंटरनल रिव्यू पेज नंबर 4 पे। इंटरनल रिव्यू में आते हैं तो बुक में सबसे पहले अंदर की तरफ जो है वो 5 नंबर पेज पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है कि प्रस्तावना में पाठ्य पुस्तक के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें निर्धारित सामग्री पाठ्य वस्तु किसी एक विषय पर आधारित ना होकर संपूर्ण विकास को केंद्र में रखती हो, जिसका उद्देश्य मात्र ज्ञान देना ना होकर छात्रों में सकारात्मक सोच का विकास होना चाहिए। अतः पाठ्य पुस्तक का केवल सैद्धांतिक ही नहीं, उसका व्यवहारिक पहलू भी उतना ही सशक्त होना चाहिए। मूल्यांकन करते समय इन समस्त बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति की जानकारी के अंतर्गत संपादक, अध्यक्ष, निर्देशक एवं अन्य सदस्यों की समस्त जानकारी पुस्तक में दी गई है।
तो ये हमारा प्रस्तावना वाला पेज हो गया, जिसमें ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हमने बताया कि प्रस्तावना में क्या चीज़ दी है और कैसे दी है। अगला पेज नंबर 6 पे हम इंडेक्स देख लेते हैं, जिसे अनुक्रमणिका बोलते हैं। इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इस बुक में पाठों को उचित रूप से विभाजित किया गया है, पाठों का विभाजन क्रमशः सरल से कठिन की ओर किया गया है ताकि छात्रों को आवश्यक मानसिक दबाव न पड़े, अनावश्यक मानसिक दबाव न पड़े। प्रस्तुत बुक में पाठ्य वस्तु से संबंधित आवश्यक चार्ट अलग से दिए गए हैं। और फिर उसके बाद इसमें है आपका बिब्लियोग्राफी। प्रस्तुत बुक की बिब्लियोग्राफी अत्यंत ही अच्छी एवं रोचक है। पुस्तक का निर्माण कैसे किया गया है, यह समस्त जानकारी इसमें उपलब्ध है। फिर आ जाते हैं सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। पुस्तक की पाठ्य वस्तु निर्धारित करते समय योग्य शिक्षकों से भी सलाह ली गई है। पुरानी पाठ्य पुस्तक को ना उतारकर संशोधित विषय वस्तु को रखा गया है ताकि छात्रों को नवीन ज्ञान मिल सके। ये हमारा पेज नंबर 6 पर मैटर है ये। फिर उसके बाद पेज नंबर 7 पर आ जाते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ द कोर्स, यानी कि बच्चों की क्लास एवं उम्र को देखते हुए इस पुस्तक में उचित कोर्स रखा गया है। सभी चैप्टर बच्चों के लेवल के अनुसार एवं ज्ञानपूर्वक हैं। फिर उसके बाद उपयुक्तता में आ जाते हैं। क्लास 7 के बच्चों के लिए यह पुस्तक पूरी तरह से उपयुक्त है। बच्चों के स्तर एवं विषय वस्तु को ध्यान में रखकर यह बुक बनाई गई है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है इसका एडिशन यानी संस्करण। तो यह बुक, इस बुक का संस्करण 2018 में हुआ है। फिर एप्लीकेशन में आ जाते हैं। तो इस बुक में पाठ्य वस्तु से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान की गई है। पाठ्य वस्तु से संबंधित समस्त तथ्यों को चित्रों के माध्यम से अत्यंत रोचक बनाया गया है। प्रैक्टिकल आधारित समस्त एक्टिविटी दी गई है। फिर आ जाते हैं इकाई वितरण यानी कि यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रस्तुत बुक में समस्त इकाइयों का वितरण उचित रूप से किया गया है। आगे देख लेते हैं अगले पेज पर हमारे पास क्या मैटर है। पेज नंबर 8, अत्यंत ही सावधानी पूर्वक किया गया है ताकि छात्रों को आसानी से समझ में आ सके। इकाइयों का वितरण सरल से कठिन की ओर किया गया है। फिर इस बुक का कठिनाई स्तर क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल। चूँकि पुस्तक में सरल पाठों को पहले व कठिन पाठों को बाद में रखा गया, अतः कठिनाई स्तर सामान्य है। यह पुस्तक सभी छात्रों के लिए उपयुक्त है। फिर उसके बाद आ जाता है पाठ्यक्रम की सहसंबद्धता। पुस्तक में दिए गए समस्त पाठ एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। पाठों को एक दूसरे से संबंधित करके दिया गया है, अतः उचित जानकारी या नॉलेज प्राप्त करने के लिए पुस्तक को शुरू से ही पढ़ना चाहिए। फिर विषय से संबंध, लिंकेज, यानी कि प्रस्तुत बुक टॉपिक से संबंधित है। इसमें समस्त टॉपिक को कवर किया गया है, यानी कि सारे टॉपिक लिए गए हैं जो कि छात्रों के ज्ञानवर्धक में सहायक हैं। वे सभी टॉपिक लिए गए हैं जो छात्रों को ज्ञान को बढ़ाएंगे। अगले पेज पर आ जाते हैं। तो पेज नंबर 9 है हमारा, जिसमें क्या कंटेंट है, प्रेजेंटेशन ऑफ बुक, पुस्तक का प्रस्तुतीकरण। पुस्तक का प्रस्तुतीकरण अत्यंत ही रोचक तरीके से किया गया है। पुस्तक में समीकरणों व चित्रों का अत्यंत कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक के पेजेस कलर्ड हैं, यानी कि जो उसके पेज हैं वो रंगीन हैं, जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर उसके बाद पुस्तक की भाषा यानी पुस्तक की लैंग्वेज कैसी है। पुस्तक की भाषा या पुस्तक बुक की लैंग्वेज अत्यंत सीधी एवं सरल है। भाषा सरल होने के कारण यह आसानी से समझ में आ रही है। उदाहरण एवं चित्रों के माध्यम से प्रस्तुतीकरण के कारण इस बुक की लैंग्वेज सभी के लिए ग्राह्य है। फिर सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस यानी कि वाक्यों की संरचना। प्रस्तुत बुक की वाक्य संरचना बहुत ही आसान है। कठिन से कठिन वस्तु, प्रस्तुत बुक की वाक्य संरचना बहुत ही आसान है। कठिन से कठिन पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे वाक्यों में प्रस्तुत
किया गया है, यानी कि जो वाक्यों को बनाया गया है, जो सेंटेंस को बनाया गया है, वो बहुत ही सरल और सुगम है। आगे चलते हैं तो पेज नंबर 10 पर है टेक्निकल टर्म्स। साइंस विज्ञान की बुक होने के कारण इसमें साइंटिफिक टर्म्स एवं टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग किया गया है, परंतु उन टेक्निकल टर्म्स को समझाया भी गया है। फिर आ जाते हैं उदाहरण। उदाहरण में आ जाते हैं टिपिकल वर्ड एवं हार्ड वर्ड को अनेक उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण का प्रस्तुतीकरण अत्यंत ही रोचक ढंग से किया गया है। फिर इवेल्यूशन में आ जाते हैं मूल्यांकन। प्रस्तुत बुक का मूल्यांकन करने पर यह पता चलता है कि प्रस्तुत पुस्तक मूल्यांकन के सभी बिंदुओं पर खरी उतरती है। पुस्तक के विषय वस्तु अत्यंत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। प्रस्तुत पुस्तक में अत्यंत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। समस्त विषय वस्तुओं को कलात्मक तरीके से विभिन्न चित्रों एवं उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। लास्ट में पेज नंबर 11 पर सुझाव होगा, जो कि इसमें नहीं लिखा है, आपको लिखना है। आपको यदि आपकी द्वारा रिव्यू करी गई पुस्तक में अगर कोई कमी लगती है तो आप उसको सुझाव के कॉलम में लिख सकते हैं कि इस बुक का फॉन्ट अगर ऐसा ना होकर ऐसा होता, चित्र डबल हैं तो उसके लिए आप कोई सुझाव दे दीजिए, कि इस तरीके से करके कुछ ना कुछ जो आपको उसमें कमी लगी होगी उसको आप इसमें ऐड करेंगे। मान लीजिए आपको लग रहा है कि इस क्लास के हिसाब से इसमें जो चैप्टर्स हैं वो कम हैं, तो आप उसको ये भी सजेशन में डाल सकते हैं कि इस क्लास और उम्र के बच्चों के लिए इसमें जो चैप्टर दिए गए हैं उनकी संख्या कम है, ये चैप्टर ऐड होना चाहिए, ऐसा करके आप सुझाव इसमें ऐड कर सकते हैं।